भाई साहब पैदल जा रहे हैं अपने गांव, तो आप आ कहाँ से रहे हैं? भाई साहब हम गाजियाबाद से आ रहे हैं। आपको जाना कहाँ है? झांसी जाना है। झांसी जाना है? हाँ जी। झांसी यहाँ से कितना किलोमीटर? कम से कम होगा 600-700 किलोमीटर। 600-700 किलोमीटर आप पैदल जाएंगे? और क्या सर, कोई साधन नहीं है, क्या करेंगे? तो आप जब यहाँ जहाँ काम करते थे वहाँ तो आपका रूम भी होगा? नहीं, रूम नहीं है। तो आप कैसे रहते थे? वहाँ ऐसे अपनी झुग्गी बनाया था रोड के पास में, और चौक पे काम करते थे। झुग्गी भी आपको, झुग्गी जो था आपका, उसको भी हटा दिया? हाँ, पुलिस वाले कहते हैं क्या कर रहे, हटो यहाँ से, अपने गाँव जाओ, क्या कर रहे हैं? अच्छा, पुलिस वाले ऐसे बोला आपको? तो जैसे गांव आप जाएंगे, गांव में भी आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, तो क्या करें सर? भैया क्या खाएं? गांव जाएंगे, गांव में आपको ना घुसने नहीं देगा। 80 रुपया किलो टमाटर है, 40 रुपया किलो आटा मिल रहा है। आप झांसी तो यहां से बहुत दूर है, कोई साधन नहीं मिल रहा है, कोई ना बस रुक रही है, बस वाले बैठा रहे हैं, ना कोई बस वाले बैठा रहे हैं, कोई नहीं बैठा रहा है। वैसे बस ना आपको परीचौक से मिल जाएगा, वहां पे परीचौक जाएंगे ना, वहां बस मिल जाएगा। परीचौक यूपी गवर्नमेंट ने चलाया है, 200 बसें चलाई है, तो देखते आगे जाके अगर बस मिलती तो ठीक है। 25-30 किलोमीटर है यहाँ से, तो उसके बाद जाके देखते अगर रुकती तो ठीक है, और नहीं मिलता है तो पहले तो जाना ही पड़ेगा। तो आप गांव जाकर, आपको गांव से ज़्यादा अच्छा सुविधा तो यहाँ मिलता आपको? क्या यहाँ पर कुछ सारा सुविधा है? देखिए मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है गाँव से तो अच्छा है, यहाँ पर गाँव में भी तो काम है सर। काम देखिए अभी के टाइम पे काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, काम तो सब जगह बंद है। हाँ, गांव वाले को भी असुरक्षित फील होगा अभी, अगर आप जाएंगे ना आप, तो आपको गांव वाले भी नहीं जाने देंगे, गांव नहीं घुसने देंगे जब तक आपका मेडिकल टेस्ट नहीं होगा, तब तक आप गांव नहीं घुस सकते। हाँ, तो मेडिकल टेस्ट कराएंगे ना गाँव जाकर? कराएंगे, लेकिन यहाँ आप रहते हैं, यहाँ सारा फैसिलिटी दे रहा है सरकार, आप क्यों जा रहे हैं? क्या क्या दे रहा है सरकार? खाने पीने का सारा सामान दे रहा है। कुछ नहीं दिया है सरकार ने, कुछ नहीं दिया। नरेंद्र मोदी मिल जाता तो मैं गला ही काट देता। तो देख सकते हैं लोग बहुत परेशान हैं। कोई नहीं होगा। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो आपके लिए ही कर रहा है, आपके लिए। हम लोग तो इतने अभी 5-6 दिन से, 7-8 दिन से बैठे हैं, एक भी कुछ नहीं दिया है खाने के लिए, एक भी कुछ नहीं मिला। सब कुछ मिलता है, आप अपने लोकल में जो प्रधान है उनसे बात कीजिए, वो प्रधान है हमारा। आप ठीक है, आप गाँव जाएंगे, जानते हैं ना गाँव में कितना परेशानी आएगी आपको, आपको गाँव वाले अंदर नहीं आने देंगे, आपके गाँव नहीं घुसने देंगे, आपको पता है? आप जब अपने गांव जाएंगे ना, तो गांव वाले आपको चलो, चलो। आपको अपने गांव नहीं घुसने देंगे। चलो चलो आएंगे, जब तक आप चेक नहीं कराएंगे तब तक आप गांव अपने घुस नहीं सकते। भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब एक ही परिवार के हैं। देखिए ये समस्या पूरा देश का है। चलो चलो, तुम जानते हैं ये समस्या पूरा देश का है, हमें सबको मिल के इसको सॉल्व करना है। अगर आपको आगे गाली पद यात्रा दोस्तों, देख सकते हैं पद यात्रा के लिए मजबूर हैं ये लोग। मुझे नहीं लगता इनका कुछ समस्या है, इनका मैं इनके पूरे फैमिली को देख चुका हूँ, बहुत अच्छे फैमिली हैं, फिर भी ये घर जा रहे हैं, तो एक तरह का मुख्यता है जाने का।